क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद है? इस राज्य में एक समुदाय ऐसा भी है जिसमें अगर किसी लड़के ने किसी लड़की पर रंग डाल दिया तो उसे उससे शादी करनी पड़ती है। इसी राज्य में एक ऐसी जगह भी है जिसे भारत का लंदन भी कहा जाता है। ये राज्य एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। क्या आप अंदाजा लगा पाए हैं कि हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? इसी राज्य में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का घर भी है और भारत का पहला स्टील प्लांट भी यहीं पर मौजूद है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं झारखंड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल की धरती भी कहा जाता है। झार शब्द झाड़ से लिया गया है जिसका मतलब होता है पेड़ पौधे पत्तियां आदि, और खंड यानी इलाका। साथ ही इस राज्य को रूर प्रदेश और हीरो का गर्भ भी कहा जाता है। झारखंड की कुल आबादी 3,96,00,000 है। राज्य की सीमाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जुड़ी हुई है। झारखंड राज्य का ज्यादातर भाग छोटा नागपुर के पहाड़ी मैदानों पर स्थित है। साथ ही ये राज्य अपने ऐतिहासिक धरती, प्राचीन मंदिरों और कई दार्शनिक स्थलों के लिए भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई। इससे पहले ये बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वहीं बात करें 500 ईसा पूर्व की तो उस समय ये जगह महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद झारखंड वाला हिस्सा मगध और अंग जैसे साम्राज्यों का भी हिस्सा रहा। इतिहास में झारखंड वाले हिस्से पर मौर्यों, गुप्ता, पाला, नागवंशी, रामगढ़ राज और चेरों सहित कई एम्पायर्स ने राज किया है। झारखंड की राजधानी शहर रांची है। वहीं जमशेदपुर पूरे राज्य का सबसे बड़ा शहर है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर माकलुस्कीगंज नाम की एक जगह है जिसे इंडिया का लंदन भी कहा जाता है। इस जगह की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान एंग्लो इंडियंस ने की थी। एक समय यहाँ पर 400 से ज्यादा एंग्लो इंडियन के परिवार रहा करते थे, लेकिन आज सिर्फ 23 एंग्लो इंडियन परिवार ही यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने के कई शानदार घर आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को होटल और गेस्ट हाउस में तो कुछ को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। झारखंड का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा पहाड़ियों से गिरते झरने, नदियाँ और खूबसूरत मैदान इस राज्य की सुंदरता को कई गुना बढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में पाए जाने वाले खनिज का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। और कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं। देश में इस्तेमाल होने वाले कोयले का 29% हिस्सा झारखंड से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा 26% लोहा और 18% कॉपर में भी झारखंड का योगदान है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सिल्वर, लाइमस्टोन, डोमालाइट और ग्रेफाइट जैसे कई अन्य खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे देश में सबसे पहले यूरेनियम की खोज भी झारखंड के इलाकों में ही की गई थी। राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पाए जाने वाले खनिजों का ही है। पूरे देश में झारखंड से खनिजों की सप्लाई की जाती है। झारखंड की जीडीपी $50 बिलियन यानी लगभग 3.83 लाख करोड़ के आसपास है। जितनी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और उन्हें निकाला जा रहा है उस हिसाब से यहाँ की जीडीपी काफी कम है, क्योंकि खनिज से होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा दलालों और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। बिहार से अलग होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब शायद झारखंड राज्य में तेजी से विकास होगा, लेकिन 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हालातों में कुछ सुधार नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पिछले 20 सालों से झारखंड की सत्ता में एक दर्जन से ज्यादा बार परिवर्तन हो चुका है, और साथ ही झारखंड बिहार से अलग हुआ है। जिस राज्य की नींव ही कमजोर हो उसे आगे बढ़ने में थोड़ा समय तो लगता ही है। झारखंड में आज भी सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं और बाकी 76% लोग गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। राज्य में पॉवर्टी रेट भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लगभग 42% लोग झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। झारखंड में खनिजों के अलावा बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, सरसों, मूंगफली जैसे कई चीजों का खेती की जाती है। इसके अलावा आम, केला, लीची, पपीता और कटहल का उत्पादन भी किया जाता है। वहीं आलू, प्याज, टमाटर, मटर जैसी कई हरी सब्जियों का उत्पादन भी झारखंड के किसान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद झारखंड के किसान अपने परिवार का ठीक से देखरेख नहीं कर पाते, और इसी वजह से हर साल बड़ी मात्रा में झारखंड में किसान खुदकुशी कर मौत को गले लगाते हैं। भुखमरी भी झारखंड में एक बड़ी समस्या है। जिस राज्य में इतनी ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के भंडार मौजूद हो, वहाँ के लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, ये एक हैरानी वाली बात जरूर है। झारखंड में गढ़वा नाम का एक जिला मौजूद है जहाँ हर साल मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई जाती है और धूमधाम से बारात भी निकाली जाती है। जी हाँ, पूरे गांव के लोग इस शादी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लोगों का कहना है कि 1966 में यहां भयंकर अकाल पड़ा, जिसके बाद 1967 में यहां पर मेंढक और मेंढकी की शादी कराने के
सलाह दी गई और उसी साल यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई और फसल की पैदावार भी बीते सालों के मुकाबले बेहतर हुई। तब से लेकर आज तक हर साल बेहतर फसल और अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी की प्रथा यहाँ पर चली आ रही है। झारखंड में लगभग 67% आबादी हिंदुओं की है, 15% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इनके अलावा यहाँ पर सरनाइसम भी एक प्रमुख धर्म माना जाता है, जिसे राज्य के लगभग 12% लोग मानते हैं। ये धर्म आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा ज्यादा माना जाता है। झारखंड में आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा मात्रा में है। पूरे राज्य में 32 जनजातियों के लोग रहते हैं। इन जनजातियों की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज है। देश की आजादी में भी आदिवासी समाज के कई महान योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कान्हू और सिद्धा जैसे शूरवीर आदिवासियों का नाम आज भी भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। झारखंड की बात हो और बिरसा मुंडा का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे, जिनकी 19वीं सदी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के रूप में याद किया जाता है। झारखंड राज्य का लिटरेसी रेट सिर्फ 67.63% है। आज भी झारखंड में स्वास्थ्य और एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं है। यहाँ बेहतर शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य उपचार के लिए लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। पोषण की कमी भी झारखंड की प्रमुख समस्याओं में से एक है। झारखंड राज्य में कई नदियां और बांध है, जिनमें से सबसे प्रमुख मैथन डैम है। ये डैम बारबर नदी पर बना हुआ है, जो धनबाद से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस डैम की खास बात है कि यहीं पर भारत का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था। झारखंड की कई नृत्य शैलियां हैं, जिनकी अपनी अलग अलग पहचान है, जिनमें डोमकच, पैनकी, चौ, मुंडारी और झुमैर आदि प्रमुख है। साथ ही संथाली झारखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये झारखंड की संथाल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। रांची में संथल नाम के समुदाय के लोग रहते हैं। मजे की बात यह है कि इस समुदाय में होली का त्योहार 15 दिन पहले ही खेलना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन होली को यहाँ बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। बाहा का मतलब होता है फूल। इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और फूल फेंकते हैं। इस समुदाय की परंपरा है कि अगर किसी लड़के ने बाहा पर्व के दौरान किसी लड़की पर रंग डाल दिया तो उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ती है, और अगर लड़के को वो शादी मंजूर ना हो तो लड़के की सारी संपत्ति उस लड़की के नाम ट्रांसफर कर दी जाती है, और ये हक यहाँ की पंचायत को प्राप्त है। झारखंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ आप साल के किसी भी महीने चले जाएं, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। जगह जगह सुंदर मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाता है। जीतिया, नवाखाने, सोहराय और सरहुल आदि यहाँ के प्रमुख त्योहार है। और जावा एक और अनोखा त्योहार है, जो की राज्य की कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। चलिए अब आपको झारखंड के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताते हैं, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। शुरू करते हैं रांची से। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, जिनकी सुंदरता आपका मन मोह लेगी। इसके अलावा रांची में गोंडा हिल, यहाँ का रॉक गार्डन सैलानियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि रांची में ही देश का सबसे बड़ा मछली घर भी मौजूद है। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और एक बायोडायवर्सिटी पार्क भी रांची में है, और टैगोर हिल और आदिवासी संग्रहालय जैसी और भी कई जगह आपको रांची में घूमने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कई प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये जगह एक समय पर बिहार का ही हिस्सा हुआ करती थी। झारखंड पूरे भारत में अपने तीर्थ स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। देवघर के बारे में तो आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। यहाँ सावन के महीने में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। साथ ही गिरिडीह जिले में पारसनाथ नाम का एक पर्वत है, जो पूरे राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये जगह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसे सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का जमशेदपुर अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह का नाम भी जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया है। जमशेदपुर या टाटा नगर भारत का पहला प्लांट सिटी था, जो आज भी एक औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। जमशेदपुर में स्थित जुबिली पार्क भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा धनबाद को कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस जिले में कई कोल की खदानें मौजूद हैं, और बोकारो भी झारखंड का एक प्रमुख शहर है, जो अपने इंडस्ट्रीज के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। इसके अलावा झारखंड के डाल्टनगंज में पलामू का किला है, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। चतरा में स्थित भद्रकाली का मंदिर माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इतना ही नहीं, दुमकी में 72 मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें मलूटे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग जिले के इसको विलेज की रॉक पेंटिंग्स देखकर पर्यटक अवश्य ही रोमांचित हो जाएंगे। झारखंड घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। देश के सभी प्रमुख राज्यों और शहरों से झारखंड तक की रेल सेवा मिलती है। झारखंड की राजधानी रांची राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा धनबाद, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ की टिकट आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है।
और सभी शहरों से सीधी उड़ान भी इन जिलों की नहीं मिलेगी, इसलिए फ्लाइट के माध्यम से झारखंड आने के लिए रांची एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें। चलिए अब बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे झारखंड की एक ट्रिप में। आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग 17 से 18 हजार के आसपास खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। तो दोस्तों, ये था हरियाणा से भरी राज्य झारखंड। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में, और आप में से अगर कोई है झारखंड से तो हमें जरूर बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है ये राज्य, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।